रेडी हो चुका है, मैंने चाय बनाया है, चाय के साथ मैं खा रही हूँ पराठा। आओ नाश्ता करते हैं। निदा आओ इधर, आपने नाश्ता कर लिया? क्या खाया आपने? मैगी। बोलो क्या खाया आपने? मैगी। मैगी खाया। चाय नहीं पिए? नहीं। क्यों? पता नहीं। चाय क्यों नहीं पिए? अभी पियोगे आप? जैसे कि आप सब देख रहे हो दोस्तों, मेरा नाश्ता हो गया है। अभी मैं गैस का चूल्हा धो रही हूँ। आज मेरा मूड बहुत ख़राब है दोस्तों, क्योंकि ऐसा हुआ है कि अभी मेरी डिलीवरी की ड्यू डेट आ चुकी है और मुझे डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए जाना है, लेकिन मेरे हस्बैंड को अर्जेंट काम से दिल्ली जाना पड़ा। तो आज सवेरे की उनकी फ़्लाइट थी, वो सवेरे सवेरे दिल्ली जाने के लिए निकल गए। तो अभी मुझे मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और मैं बहुत टेंशन में हूँ, क्योंकि आज ही की मेरी ड्यू डेट है और डॉक्टर ने मुझे कहा है आप आओ, आपको चेकअप करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं अभी क्या करूँ। जैसे ही मेरा काम ख़त्म होगा हम हॉस्पिटल जाने के लिए निकलेंगे। ऐसे तो मुझे हॉस्पिटल 12:30-1 बजे तक पहुंचना है, क्योंकि मुझे मेरी डॉक्टर वही टाइम पर मिलेगी आज। तो मैंने सोचा फिर फटाफट घर का सारा काम ख़त्म कर देती हूँ। तो आप लोगों ने देखा मेरा किचन हो गया है, अभी मैं झाड़ू मार रही हूँ, जल्दी से झाड़ू हो जाएगी। उसके बाद कपड़े वॉशिंग मशीन में भिगाए हुए हैं, तो फटाफट ये सारा काम ख़त्म करके मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो वही है दोस्तों, मेरे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं उसे पानी में से निकाल कर ड्रायर में डाल रही हूँ ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए। तो मैं उसे निकाल कर फिर सुखा लूँ। तो देखो दोस्तों मेरे कपड़े सुखा रहे हैं। हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है रोशन इंडियन व्लॉगर। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप सबने देखा अभी कि मेरा अर्ली मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक का शेड्यूल कैसा था। अभी मैं जस्ट हॉस्पिटल से आई हूँ, आज मुझे फॉलोअप के लिए डॉक्टर ने बुलाया था। मेरी ड्यू डेट 22 की थी तो मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। मैं गई तो मुझसे डॉक्टर ने कहा कि अभी आप थोड़ा वेट करो, आपका बेबी एकदम अच्छा है, आप लेबर पेन तक का वेट करो। गॉड नोज लेबर पेन स्टार्ट होगा नहीं होगा, मैं तो बहुत टेंशन में हूँ, लेकिन डॉक्टर बहुत पॉजिटिव है, मेरे हस्बैंड बहुत पॉजिटिव है, सब कह रहे हैं आप टेंशन मत लो, आपको लेबर पेन स्टार्ट होगा। जब डॉक्टर कह रही है आपसे कि हाँ आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो थोड़ा समय तक वेट करो, प्लीज़ दोस्तों मेरे लिए प्रे करो कि मेरा अच्छे से हो जाए। जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरी डिलीवरी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस थी, अब
थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हट गई है, डॉक्टर कह रहे हैं लेट्स सी, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, जितना जल्दी और जितना अच्छे से हो जाए उतना अच्छा है। मुझे थोड़ा एक्सरसाइज बताया है डॉक्टर ने कि आप ऐसे ऐसी एक्सरसाइज करो, आप अपने फूड्स थोड़े डाइट थोड़ा चेंज किया है मेरा खाना पीने का, मुझे थोड़ा वॉकिंग करने के लिए बोला है सुबह शाम। ऐसे तो मैं पहले भी वॉकिंग करती थी बट देन टू अभी मुझे उसने थोड़ा फास्ट वॉकिंग करने के लिए कहा है, और दो तीन एक्सरसाइज तो बताई है जैसे बटरफ्लाई पोज, आप लोगों को तो पता ही होगा, तो वो सब बताया है। मुझे बोला है कि थोड़ा आपको दर्द बर्दाश्त करना होगा, जब आपका दर्द लेबर पेन में कन्वर्ट हो जाएगा तभी आप हॉस्पिटल में आओ, हम और 10 दिन देखते हैं, अगर अक्टूबर की एंडिंग तक कुछ नहीं होता है तब हम कोई कॉल लेते हैं, ऐसे डॉक्टर ने बोला। मैं भी पॉजिटिवली घर आ चुकी हूँ, लेट्स सी, होप फॉर दी बेस्ट। अभी मैं खाना बना रही हूँ, पालक और दाल मिक्स करके मैं दाल पालक बना रही हूँ, उसी में मैं सब एक साथ मिक्स करके मैं कुकर में डाल देती हूँ और उसको सीटी लगा देती हूँ, और फिर बस लास्ट में मैं तड़का दे देती हूँ तो मेरी दाल रेडी हो जाती है। एक तरफ मैंने दाल रख दिया, एक तरफ मैंने चावल रख दिया है, अब दोनों जल्दी से बन जाए, हम खाना खा ले और मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। बहुत थक गई हूँ आज सवेरे से उठी हूँ, बहुत ज़्यादा ही थक गई हूँ, तो ऐसे लग रहा है कितना जल्दी खाना बन जाए और मैं खा लूँ। जाने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसे लाइक करिए, उसे शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।